स्वामी जी, हर रोज हार्ट अटैक से जुड़ी खबरें आती हैं कि हार्ट अटैक से मौत हो रही है, और ये खबरें बहुत डराती हैं, लेकिन योग प्राणायाम और मंत्र हार्ट बीट इससे नॉर्मल होते हैं, हार्ट अटैक से बचाते हैं, ये आप भी कहते आए स्वामी जी हमेशा, और एम्स ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है। तो स्वामी जी, ये होता कैसे है, इसके पीछे की साइंस भी समझाइए और इसके लिए अभ्यास भी करवाइए। हार्ट के लिए एक तो ये अभ्यास करें, खुश हो बेटा शुभम, ये ऐसे। आज मैंने बोला ये शरीर में जो टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स सारी नेगेटिव एनर्जी गलत आहार से, गलत विचार से, गलत सोचने से, गलत देखने से, गलत सुनने से, गलत खान पान से, जो भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है उसका सब का असर दिल और दिमाग पर पड़ता है, और इसलिए ये बहुत नाजुक मामला है। एक तो ये, फिर दूसरा ये गोमुखासन या अभ्यास करें, और अर्जुन की छाल दालचीनी जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसको तो पिए, गोधन अर्क भी हो सके तो सुबह सुबह पी लें, खाली पेट हृदयामृत खाने के, खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन घनवटी इसका सेवन करें, और जिनका ब्लड थोड़ा गाढ़ा है वो खाली पेट लहसुन या प्याज में थोड़ा सा हनी डाल करके सेवन करें, क्या अद्भुत अप्रतिम उसके लाभ होते हैं, बहुत जरूरी है। और मैं देख रहा हूँ एक तो तरफ तो ये बहुत कारण हैं हार्ट अटैक के, दूसरी तरफ कोरोना और कोरोना के बाद लोगों ने एंटीबायोटिक्स और स्टीराइड की ओवरडोज, डबल वैक्सीनेशन बूस्टर डोज, और उसके बाद खान पान पर ध्यान नहीं दिया, एक्सरसाइज नहीं की, जो अलग अलग प्रकार से सिंथेटिक दवाओं का जहर डाला उससे कभी भी किसी को क्लोट बन सकता है बिना घी के बिना तेल के। इसलिए मैं कहता हूँ एक बार सुबह पसीना बहाओ, और ये जो अर्जुन की छाल दालचीनी गोधन अर्क बताया है इसको पी लो भाई एक बार सुबह सुबह, ये बहुत जरूरी है। एक तो ये गोमुखासन और मकरासन भुजंगासन जो पहले कर चुके वो, अनुलोम विलोम भ्रामर उद्गीत ओंकार और गायत्री का जप, और ये पॉइंट दबाना, ये हार्ट के लिए परम औषधि है। जवान बच्चों की मौत जो आपने कहा ना, मैंने भी हजारों लोगों के मौतें सुनी हैं और देखी हैं अपनी आँखों से। अभी मैं आज सुबह सुबह उठा तो पता लगा एक बालक, गौतम सोनू बोलते थे प्यार से, 35 साल का बच्चा, 33 या 35 साल का बच्चा, उसका भी 2 साल का बच्चा ही पैदा हुआ था, पत्नी डॉक्टर है, पता लगा मर गया, किससे, यही ये जो वैक्सीनेशन के बाद में अचानक क्लोट आ रहा है और सीवियर हार्ट अटैक। मैंने डॉक्टर से बात की, मैंने कहा क्या हुआ, आर्मी के डॉक्टर थे बड़े, बोले जी इनको सीवियर हार्ट अटैक आया, कोई बड़ा क्लोट आ गया था। अब ये क्लोट कैसे बनते हैं, तो ये एक बात कहना चाहता हूँ, खाली कोलेस्ट्रोल से, ब्लड थिन होने से, ज़्यादा घी तेल खाने से, चिकने खाने से नहीं, अंदर का जो ऊर्जा का संतुलन गड़बड़ाने से, और ऊर्जा के संतुलन को गड़बड़ाने में सिंथेटिक मेडिसिन, और बाकी बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा कहूँगा तो और बखेड़ा हो जाएगा। कभी भी किसी को हार्ट में ब्रेन में क्लोट आ सकता है, ब्रेन हेमरेज पैरालिसिस और हार्ट अटैक होकर के मौत हो सकती है। आज का जो सेशन है उसको ध्यान से सुनना, अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करना, नहीं तो कभी भी जिंदगी का खेल खत्म हो सकता है, परिवार तड़पता बिलखता रह जाएगा, बच्चों से माँ बाप का साया हट सकता है, या जिंदगी के सारे सपने आपके टूट सकते हैं। इसलिए आज के इस सेशन को सुनना और जो बता रहे हैं उसको करना, जीना, इसलिए मैंने कल कहा था योग करना और योग को जीना। बिल्कुल ठीक बात है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, स्वामी जी जो बता रहे हैं उस पर अमल भी करना होगा और अभ्यास को रेगुलर करना होगा, अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। स्वामी जी, रोजाना मंत्रोच्चारण और योग किया जाए तो लंग्स भी हेल्दी होते हैं, और स्वामी जी प्राणायाम तो हम आगे करेंगे ही, लेकिन वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो लंग्स को, फेफड़ों को हेल्दी बनाते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं? लंग को हेल्दी बनाने के लिए योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, उष्ट्रासन, और इधर आओ भाई कौशिक, ये कौशिक, और ये बेटी रिद्धिमा ने तो कमाल किया है, हजार बार तक भुजंगासन किया है, और बच्चों को तो दंड लगाना चाहिए, चलो दंड लगाओ, तुम डिप्स लगाओ, डिप्स लगाने से इससे लंग मजबूत बनते हैं। अब देखो ये ऐसे करता है,
ये वही कोशिका है जो व्हीलचेयर पर आया था एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस से टेढ़ा मेढ़ा होकर के गर्दन यूं भी मुंह नहीं कर सकता था ऐसे भी हा? और अब ये है भुजंगासन के साथ ऐसे करना जो कर रहा था ऐसे, नहीं तो ऐसे भी कर लो, ऐसे भी इतने से भी काम चलेगा। ये लंकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बड़ा ही जबरदस्त है, इसने तो कीर्तिमान बना दिया है। बैठो एक बार, जो व्हील चेयर पर आया था अभी इसके दिखा थोड़ा लोगों को, इंस्पिरेशन मिलता है दोनों हाथ। अब देखो ये बॉडी बनाई है इसने सूर्य नमस्कार करके और जो है क्या बात? योग करके, भुजंगासन करके, दंड लगा के, 250 दंड रोज लगाता है कम से कम। बहुत खूब स्वामी जी, बहुत खूब। ये बेटी चमत्कारी, ये जो है ये रिद्धिमा हमारी बेटी, हजार बार ये स्क्रोलियोसिस ठीक किया इसने। उल्टा भुजंगासन करो बेटा, और ये भस्त्रिका करो बेटा, भस्त्रिका ब्रोन कोम स्वासारी, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवन प्रास, च्यवन प्रभा, और बच्चों के लिए बाल प्रास, ये तो परम औषधि है। अभी हजार बार तक गुड़िया कर देती है, लेकिन देखो ये प्रतिबद्धता, ये संकल्प कि मुझे रोगों को पराजित करना, ये तो बैठो बेटा। अब भस्त्रिका भी ये पूरा करती है, कपालभाति भी, अनुलोम विलोम करो आप तो बेटा। अब इसके भी जवान भैया की मौत के बाद पूरे परिवार में ऐसा गम हुआ, 25 साल का जो भाई था बेटा हमारा वो चला, तो परिवार में गम का पहाड़ जैसे कहते हैं टूट पड़ा, उससे भी अपने आप को उबारा। ये थोड़ी अलग त्रासदी होती है, अलग ही प्रकार की एक वेदना होती है, उससे भी अपने उन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपने आप को उभारना, ये भी योग से संभव होता था, नहीं तो आदमी हौसला हार जाता, टूट जाता, हिम्मत उसकी जवाब दे देती है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी योग हमें ताकत देता है। तो फेफड़ों के लिए तो मैंने बताया ही, कितना ही भयंकर, कितना ही बड़ा हिमालय के समान भी दुख आ जाए तो विचलित ना हो, यही तो योग हमें सिखाता है।